हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी एजे। आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक देसी जुगाड़, जो कि आप बहुत ही कम बजट में एक वैक्यूम क्लीनर बना सकते हैं। साथ ही साथ आप इस प्रोजेक्ट को स्कूल में भी सबमिट कर सकते हैं, वहां पे आपको फर्स्ट प्राइज भी मिल सकता है। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखते रहें। तो इसके लिए सबसे पहले लेना है एक बैटरी, इसके बाद एक पंखा ये वाला लेना है, इसके बाद आपको एक लेना है डीसी मोटर, इसके बाद आपको लेना है एक यूएसबी केबल, इसके बाद एक लेना है आपको पाइप, और फिर एक लेना है आपको स्प्राइट का बॉटल, ठीक है। और उसका ढक्कन होना चाहिए, क्योंकि उसका भी यूज़ है, आप देखेंगे। फिर आपको क्या करना है, इसको बीच से चाकू से कट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको उसको कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद आपको इस तरह का एक शेप में ले लेना है, और उसको इस मार्क करके इस तरह से कट कर लेना है। इसका क्यों यूज़ है, तो आपको इसमें क्या करना है, मोटर जो आप लिए हैं उसको इसमें इस तरह से फिट कर देंगे, ठीक है। मोटर को आपको फिट करने के बाद क्या करना है, सिंपली आपको एक पंखे को उस मोटर में वहाँ पे फिट कर देना है। फिट करने के बाद आपको उसको फेविक्विक से या फिर किसी भी चीज़ से उसको अच्छे से चिपका देना है, ताकि जिससे कि वो जब पंखी नाचेगा तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं। इस तरह से आपका सेटअप हो जाएगा। फिर उसको क्या करना है, बॉटल में कुछ इस तरह से आपको उसको फिटिंग कर देना है, बॉटल में आपको इस तरह से फिटिंग कर देना है। उसके बाद क्या करना है, बॉटल को पीछे से इस तरह से आपको होल कर देना है, जिस तरह से आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं। बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, आपको बहुत मज़ा आएगा जगह अगर आप बना के लेके जाएंगे तो। इस तरह से आपको पूरा होल कर देना है। होल करने के बाद क्या करना है, उसको यहाँ पे आपको लगा देना है गम, जिससे कि वो हिले डुले नहीं, दोनों तरफ से लगा देना है, ठीक है। और आधा पे जा कर के उसको फिट कर देना है, दोनों तरफ से प्रेस कर देना है। इस तरह से आपका एक पार्ट बन जाएगा। फिर आप दूसरे पार्ट के साथ क्या करना है वो देखना है। इसके बाद क्या करना है, इस तरह से आपको एक नेट वाला ले लेना है, और ऊपर से इसको लगा देना है। उसके बाद फिर इसके ऊपर भी आपको फेविक्विक से चिपका देना है। कोई और भी मटेरियल जो चिपकने वाला होगा आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद आपको इस तरह से कर देना है, ठीक है। उसके बाद रेस्ट पार्ट को जो है उसको आपको वहाँ से कट करके हटा देना है, जैसा कि आप लोग वीडियो में यहाँ पर देख रहे हैं, उस पार्ट को हटा देना है। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो इस तरह से कट करके हटा देना है। हटाने के बाद आपका इस तरह से बन जाएगा एक स्ट्रक्चर। अब आपको दूसरे वाले पार्ट के साथ क्या करना है वो देख लीजिए। अब इसमें आपको पाइप फिटिंग करना है, तो क्या करना है, जितना आपका पाइप का मोटाई होगा उतना शेप में आपको इसको मेज़र करके, हो सकता है पाइप डिफरेंट साइज़ का भी आता है, तो उसको आप काट करके इस तरह से फिटिंग कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जब आप उसको फिटिंग कर देंगे तो इस तरह से फिर उसको आप अच्छे से चिपका देंगे, जिससे कि वो हिले डुले ना, ठीक है। बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है, और आपको एक स्कूल में सबसे अलग आपका इमेज बनाएगा ये प्रोजेक्ट, अगर आप इसको बना के लेके जाएंगे तो। इस तरह से आपको एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट आपको उधर रेडी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको इस तरह से उसको, अब आप देख रहे हैं, इस तरह से इसको क्या करना है, चिपका देना है, ठीक है। इस तरह से आपको फेविक इसका चिपका देना है टेप से, क्योंकि उसको खोलना पड़ेगा बाद में, ठीक है। इसके बाद आपको एक स्विच ले लेना है, और उस स्विच को आपको यहाँ पे सेट कर देना है इस तरह से, ठीक है। उसको सेट कर देना है इस तरह से आप उसको सेट कर देना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये आप देख रहे हैं,
फिर आपको वो जो बैटरी लिए थे उस बैटरी को क्या करना है, बैटरी और वो केबल लेना है, ठीक है, ये जो आपको स्टार्टिंग में लेने के लिए बोले थे। फिर आपको क्या करना है, दोनों को उसको जोड़ करके फिर उसको टेप से चिपका देना है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, दोनों आपस में प्लस और माइनस का चार्ज जो है सो दोनों न टकरा जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आप हैंडल उसको, जिससे कि पकड़ने में आसानी रहेगा, इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बैटरी को वहाँ पे आपको चिपका देना है, ठीक है, और इस तरह से जब आप चिपका देंगे तो अब आपका बन के तैयार हो गया है वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, ओके। इसके बाद इस तरह से अब देखिए, अब आपका ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम में, कम बजट में एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर लें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें इस प्रोजेक्ट के बारे में, जिससे कि उसको भी देख करके अच्छा लगे। और इस तरह से आप फिर आप उसको फेंक भी सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।